أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بچو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمني الكتاب والحساب. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. اللهم خذ بيدي. मेरे बच्चों, आज हम लोग नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, आज हम इसका सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। और सेकंड लेक्चर में पहले मैं आपको रिकॉल दूंगा सारे के सारे मटेरियल की जो कल हमने पढ़ा था। बट एंड ऑफ 18th सेंचुरी 23 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, फिर 1870 तक 65 हो गए, 1925 88 और आज तक 109। प्रॉब्लम ये थी कि इन तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके एटॉमिक नंबर, उनके मास नंबर और उनके केमिकल रिएक्शंस जो हैं और उनकी रिएक्टिविटी का जो ट्रेंड है, इससे रिलेटेड मालूमात जो थी, हम चाहते थे हम इनको मुनज़्ज़म कर लें, इनको सिस्टमेटिक अंदाज में अरेंज कर दें। तो इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो हमें किसने दे दिया? पीरियोडिक टेबल ने दे दिया। समझ आया? नहीं है? और पीरियोडिक टेबल के जरिए से हम ये तीन काम कर सकते हैं। पहला काम ये है कि हम लोग, अगर हमें किसी भी ग्रुप में किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पता हो तो बाकी तमाम की प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज एलिमेंट्स की जो रिएक्टिविटी है उसका ट्रेंड बता सकते हैं। लिथियम हम बोलेंगे लेस रिएक्टिव है किसके मुकाबले में? सोडियम के मुकाबले में। सोडियम लेस रिएक्टिव है पोटाशियम के मुकाबले। क्यों? फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप साइज बढ़ता है एलिमेंट, तो जो जो साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन छोड़ने की सलाहियत भी क्या होगी? बढ़ती है। समझ आया? नहीं यार। सो लास्ट पे ये कि हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकेंगे कौन से एलिमेंट्स आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाएंगे और कौन से बॉन्डिंग की टाइप हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। रिएक्टिविटी का पैटर्न ट्रेंड हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हम एक ग्रुप में एक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज पता हो तो बाकियों की भी हम बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। सुन रहे हो? उसके बाद रिएक्टिविटी का ट्रेंड बता सकते हैं कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कम कौन कम रिएक्टिव होगा, और ये भी बता सकते हैं कि ये जब बॉन्डिंग करेंगे तो किस टाइप की बॉन्डिंग करेंगे। पीरियोडिक टेबल डेफिनेशन जी जनाब इसकी, ये टेबल शोइंग द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड, एक ऐसा टेबल जो एलिमेंट्स की, मैंने कहा था सिस्टमैटिक अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जो अकॉर्डिंग टू सम लॉ हो। तो एक ऐसा टेबल जो एलिमेंट्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को शो कर रहा हो उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक लॉ इसकी डेफिनेशन क्या है? तो मैंने कल कहा था एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। अगर एलिमेंट्स को अरेंज कर दी जाए किस ऑर्डर में, किस तरतीब में, उनके एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर, तो देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मैंने कल भी बताया था उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी किस अंदाज में? पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर का मतलब यह है कि आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल, आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल एलिमेंट्स की वही प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू हो जाएंगी जो पहले थी। समझ आया? जैसे मेटल है, मेटालिक करेक्टर से आप नॉन मेटालिक की तरफ बढ़ रहे थे, नोबल गैस आ गई। जैसे ही नोबल गैस आ गया अगेन आप कहां से शुरू करेंगे? वही प्रॉपर्टी, जैसे लिथियम से शुरू किया था आप नियोन तक, जैसे एटॉमिक नंबर 11 हुआ लिथियम जैसी प्रॉपर्टी सोडियम की आ गई। मेरी बात समझ आ नहीं है? सो देयरफॉर आफ्टर ए स्पेसिफिक टाइम इंटरवल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विल बी रिपीटेड। इसको हम ये कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पहली बात गौर से सुनना, कौन? इसमें दो चीजें हैं, इस चीज को समझिएगा। कौन? प्रॉपर्टीज किसकी? एलिमेंट्स। फंक्शन है। क्या है? फंक्शन होने का मतलब यह है कि ये डिपेंड करती है। क्या करती है? इसको हम कहते हैं डिपेंड करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रूल। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड करती हैं किस पे? किस पे? एटॉमिक नंबर ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है?
एक ऐसा फंक्शन जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करे। देखें ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आया फिर अब वापस वही चीज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये तो ये वो फंक्शन है जो अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट कर रहा है। पहले ये पीक आई थी दोबारा यही पीक वापस आई है, आई नहीं आई। तो ये पीरियोडिक फंक्शन, और ये किसका ग्राफ है? साइन थीटा का ग्राफ है, साइन फंक्शन का ग्राफ है। अगर कोसाइन का होता तो वो कहां से शुरू होता? यहां से शुरू। ये भी पीरियोडिक फंक्शन, ये भी अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैथमेटिक्स में वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं जो अपनी वैल्यूज को रिपीट करे आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। बात समझ आई? तो अगर आपसे पेपर में कोई बंदा ये पूछ ले व्हाट इज पीरियोडिक टेबल एंड व्हाट इज इट्स बेसिस, तो डेफिनेशन दे दोगे? बेसिस क्या? पीरियोडिक लॉ बताना कि द एलिमेंट्स आर आ रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन द पीरियोडिक मैनर। और उसको शॉर्ट वर्ड्स में ये कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या मतलब है? आप एटॉमिक नंबर चेंज करोगे प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। एटॉमिक नंबर 1 दोगे प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन वाली मिलेंगी, एटॉमिक नंबर 2 दोगे प्रॉपर्टीज हीलियम वाली मिलेंगी। प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है नहीं हो रही? जैसे एटॉमिक नंबर 3 दोगे प्रॉपर्टीज लिथियम की आएंगी, 4 दोगे बेरिलियम, 5 दोगे बोरोन, 6 दोगे कार्बन, 7 दोगे नाइट्रोजन, 8 दोगे ऑक्सीजन, 9 दोगे फ्लोरीन, 10 दोगे नियॉन, 11 दोगे सोडियम। वापस लिथियम वाली प्रॉपर्टीज रिपीट होना शुरू। क्लियर हुआ? पीरियोडिक इवेंट। अब मैं जरा जो आपको ऊपर वर्ड पीरियोडिक है उसको समझाने के लिए, an event which that repeats itself again and again is called the periodic event. वो event जो अपने आप को repeat करे बार बार उसे हम periodic event कहते हैं। Why periodic table is called periodic? हम इसको periodic क्यों कहते हैं? इस table को periodic क्यों कहते हैं? देखें, एक row complete दूसरी दोबारा शुरू हो जाएगी, वही properties दोबारा repeat होगी। तो क्या कहा जा रहा है? A periodic table is called periodic because it shows the periodicity. ये किसको जाहिर करता है? Periodicity को, periodic नहीं periodicity को। किसकी प्रायोरिटी को? प्रॉपर्टीज की। दौरियत को जाहिर करता है, किसकी खसूसियात की? आप एलिमेंट्स अनासर की। नोट याद रखेगा प्रायोरिटी या प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है, जो कि चैप्टर की हेडिंग में है। प्रायोरिटी मींस रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज इन ए वेल डिफाइंड मैनर, खसूसियात का दोहराया जाना एक वाज़े अंदाज में, क्या कहलाता है? प्रायोरिटी या प्रॉपर्टीज कहलाता है। प्रॉब्लम किसी को? नो, वी विल स्टार्ट द पीरियोडिक टेबल। ये आपके बुक पे लिखा हुआ, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज इज द सर्च ऑफ ऑर्डर। दुनिया में सबसे अहम काम, दुनिया में याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज, दुनिया में बहुत अहम एक्टिविटीज हैं, दुनिया की अहम सरगर्मियों में से, दुनिया के अहम कामों में से, दुनिया के अहम अशगाल में से, शुगलों में से एक शुगल है सर्च फॉर ऑर्डर, तरतीब के लिए तहकीक। किसके लिए? तरतीब के लिए तहकीक जो है, याद रखना तरतीब तलाश करना, ऑर्डर तलाश करना। वो लोग जिनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो याद रहती हैं, उनकी चीजें लिंक्ड होती हैं और ऑर्डर्ड होती हैं। मेरे अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं, सर आपको ये चीजें कैसे पता है? तो रात को भी एक बात कही थी कि बेटा ऑर्डर बनाओ अपने नॉलेज में, जो पहली क्लास में सीखते हो उसको दूसरी क्लास में यूज करना सीखो, कि मैंने पीछे वाली क्लास में जो पढ़ा नेक्स्ट क्लास के साथ उसका क्या लिंक बन रहा है। कहीं मैंने पीछे पढ़ा, जब नॉलेज के लिंक्स बनते हैं फिर नॉलेज नहीं भूलता। ऑर्डर बनाओ, ऑर्डर समझ आया नहीं? यार तरतीब है ना, आप अपने घर जाते हैं आपने तरतीब रखी हुई है, स्कूल के गेट से बाहर निकलेंगे सीधा चलेंगे, गली में मुड़ेंगे यूं मुड़ेंगे यूं, तरतीब ऑर्डर, कभी नहीं रास्ता भूलता। जो नॉलेज तरतीब से आप हासिल करेंगे ना, लिंक बना के हासिल करेंगे, वो नॉलेज कभी नहीं भूलेंगे। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिविटीज इज द सर्च ऑफ ऑर्डर। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट द ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू कॉमन फीचर्स दैट दे शेयर। क्या कह रहे हैं? ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आपके पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस, बहुत सारे मुशाहदात आपने किए हैं, बहुत सारी तहकीकात आपने की हैं, बहुत सारे आपके पास इजसाम मौजूद है। ओए, क्लासिफिकेशन पढ़ी है एनिमल्स की? पढ़ी है नहीं पढ़ी? किंगडम सिस्टम पढ़ा हुआ ना। ऑब्जेक्ट्स को आप अरेंज करते हैं, दे कैन बी अरेंज इन ग्रुप्स, आप उनको ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉमन फीचर्स। किसकी बुनियाद पर? कॉमन का मतलब मुश्तरक, एक जैसे फीचर्स का मतलब खदोखाल खसूसियात की बुनियाद पर, दैट दे शेयर, जो उनमें मुश्तरक होती है। इट बिकम्स ईजियर टू डिस्क्राइब देम आफ्टर अरेंजमेंट। और मजे की बात यह है, जब आप चीजों को अरेंज कर लेते हैं, तरतीब दे देते हैं, तो तरतीब दे देने के बाद चीजों को बयान करना बड़ा आसान हो जाता है। After the discovery of atomic number by Moseley,
मुजाले ने एटॉमिक नंबर को दरियाफ्त किया था, आपको पता? और मुजाले पता किसका शागिर्द था? किसका शागिर्द था? रदरफोर्ड। सेकंड चैप्टर फर्स्ट थ्योरी एटॉमिक मॉडल जिसका आपने पढ़ा 1911 में, जिस बंदे ने आपको एटम का पहला मॉडल दिया था, ये उसका शागिर्द था मुजाले। सुन रहे हो? मुजाले ने डिस्कवर किया था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? और ये एक्स रेज पर रिसर्च कर रहा था। किस पर कर रहा था? एक्स रेज पर। बात समझ आई नहीं आई? इसने क्या किया? एक्स रेज पर। एक्स रेज सुना है कभी? एक्स रेज। तो ये मुजाले जो था ये एक्स रेज पर तहकीकात कर रहा था। पहले पता आपको जो पीरियोडिक टेबल था उसमें एटम्स को उनके मासेस की बेसिस पर तरतीब दिया गया था मेंडलीफ ने। अब मासेस देखो, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं और तीनों का मासेस क्या है? डिफरेंट है। नहीं समझा? एक का वन है, एक का टू है, एक का थ्री है, तो इसका मतलब फिर दो तीन डिफरेंट जगहों पे आएंगे। नहीं समझा? लेकिन सबका एटॉमिक नंबर सेम है। समझ आया नहीं है? तो मुजाले ने बताया था कि जनाब जो एक्स रेज की प्रॉपर्टीज है वो मास नंबर चेंज होने से चेंज नहीं होती, बल्कि वो एटॉमिक नंबर चेंज होने से चेंज होती है। एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन नंबर। तो आफ्टर द डिस्कवरी, दरियाफ्त के बाद आफ्टर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की बाय मुजाले, मुजाले ने जो की थी या मुजाले से इन 1913 इट वॉज नोटिस्ड दैट, ये बात महसूस की गई, ये बात देखी गई दैट के एटॉमिक नंबर कुड सर्व एज द बेस। आप समझ आए? यही आपसे पेपर में सवाल हुआ था। It was noticed that atomic number could serve as the base for the systematic arrangement of elements. आप समझ आए? तो atomic number is the base for the systematic arrangement or for the periodic table. Atomic number is the base. Atomic number is the base. Atomic number base है, बुनियाद है, जड़ है elements की systematic arrangement की in the periodic table. Problem किसी को? Thus elements are arranged in order of increasing atomic number in the periodic table. ये definition आ गई। A table showing systematic arrangement of elements is called periodic table. It is based on the periodic law that states that if elements are arranged in order of their increasing atomic numbers, their properties are repeated in the periodic manner. Problem किसी को? Now we can say that the properties of elements are periodic function of the atomic number, but आपकी बुक पे जो मौजूद है ये आप लिखेंगे तो शायद ज्यादा चांसेस अच्छे नंबर मिलने के, अदरवाइज वो डेफिनेशन भी गलत नहीं है। ओल्ड बुक पे वही थी, ये periodic table आ गया। समझ आया नहीं है? अब प्यारे बच्चों एक बात आपको साथ साथ मेंशन करता चलूं, periodic table में आपको दाएं से बाएं रोज नजर आ रही हैं? जी जी। ये नहीं आ रही? आ रही है। ये जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको रो नजर आ रही है, नजर आ रही है जी। ये भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम है, ये भी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, नजर आ रही है जी। ये मैट्रिसेस में आप इन्हें कॉलम्स कहते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप्स कहेंगे। इस पे आप नंबरिंग देख रहे हैं, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, एट है, नजर आ रहा नहीं आ रहा बच्चे? ये ए ग्रुप एलिमेंट्स है, इन्हें नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। समझ आए? आपके कोर्स में आपने सिर्फ इनके इनसे जानकारी हासिल करनी है। बी ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ना। समझ आए? इसलिए आप इनके बारे में खामोश हो जाए फिलहाल। समझ आया नहीं? वो कहते हैं उस्ताद जिस चीज के बारे में खामोश कर रहे हैं हम उसी पर बोलेंगे। ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बेटे आज इसी को समझो पहले, ये समझ आ जाएगा ना क्या होगा। वन ए ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप का पहला लेटर क्या? जी, याद रखना, जी फॉर जेंटलमैन, एंड इन केमिस्ट्री ओवर जेंटलमैन इज इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? इन तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनकी वैलेंसी भी वन ही है। ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं सब, ये हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब मेटल्स है। ग्रुप नंबर टू है, तमाम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? दो, दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। थ्री है, तीन इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। 4a, तीन चार ले भी सकते हैं, चार इक्वल काम हो गया। ग्रुप नंबर 5 है, पांच इलेक्ट्रॉन सबके आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन वैलेंसी अब पांच नहीं, दो वैलेंसी शो करेंगे। 8, 5 में से 8 माइनस करें, रिजल्ट क्या होगा? माइनस 3। इनकी वैलेंसी तीन है, तीन इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इनकी वैलेंसी दो, छह है ना, चार तक वैलेंसी वही रहेगी, उसके बाद 8 में से माइनस करना। इनकी 2 है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन दो की जरूरत है, नॉन मेटल्स। ये भी क्या? 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 पूरे करने के लिए, वैलेंसी है क्या? सुन रहे हो? 8, 8 में से 8 का 0, ये किसी से नहीं मिलते, अकेले रहते, डबल कैसे मसला।
बोलो भाई नहीं, नहीं, नहीं। क्लियर हो गया जी। अच्छा उसके बाद ये सीढ़ी नजर आ रही है आपको, एस्टेटिन टेलोरियम आर्सेनिक सिलिकॉन बोरॉन नजर आ रही है, एल्यूमिनियम जर्मेनियम स्टिबियम एंटीमोनी जिसे कहते हैं पोलोनियम, इसके ऊपर देख रहे हो जी। ये सीढ़ी के ऊपर जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं ये सारे मेटलाइड्स, ये सीढ़ी इनके ऊपर सारे नॉन मेटल्स हैं, कार्बन फॉस्फोरस सेलेनियम बोरॉन आयोडीन जीनॉन रेडॉन क्रिप्टॉन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं नोबल गैसेस, सब नॉन मेटल्स। समझ आया या नहीं आया? बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ये कार्बन नाइट्रोजन ये सारे ये सिर्फ एक नुक्कर में इतने से नॉन मेटल्स हैं, ये सब नॉन मेटल्स। सुन रहे हो? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 20 एक हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। समझ आया? और ये जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। बाकी सब इस सीढ़ी से नीचे ये सब सब कौन है? मेटल्स। समझ आ गया जी। अच्छा बच्चे अब आप अगर एक रिएक्शन करवाते हो, हाइड्रोजन को मिला दिया किसी ऑक्सीजन से, टू टू नीचे डालेंगे ना अकेले नहीं रह सकते, तो कंपाउंड में हाइड्रोजन भी आएगा और ऑक्सीजन भी आएगा। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा? अच्छा टू ओ तो बनता है, लेकिन आप अगर पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से समझ लें तो आपको रटा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में? पहले हमें इसकी वैलेंसी जनाब वन है। ऑक्सीजन कौन से में? सिक्स में। इसकी वैलेंसी टू आएगी, मैंने बोला था चार तक इसके बराबर लेंगे ग्रुप नंबर के, और जैसे पांच आ जाएगा आठ में से माइनस करेंगे, तो आठ में से छह का आंसर दो आ गया। इसकी वैलेंसी कितनी है? टू है। इसकी वैलेंसी इसके ऊपर डाल दो और इसकी वैलेंसी इसके ऊपर। इनका जीसीडी कितना है? वन ही, तो ये टू यहाँ डाल दो और ये वन हम लिखेंगे नहीं, एच टू ओ बनेगा। समझ आए? नाइट्रोजन को अगर हाइड्रोजन से मैं मिला दूं तो NH बनेगा। नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप में वैलेंसी थ्री है इसकी, वन है, थ्री यहाँ जाएगा और वन हम नहीं लिखते। समझ आए? अमोनिया का फार्मूला यही है। कार्बन ऑक्सीजन से मिलेगी CO2, क्यों बनेगा देखते हैं। कार्बन की वैलेंसी चार ऑक्सीजन की दो, जैसी टू आता है दोनों टू वन द टू 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 द फोर, टू यहाँ जाएगा वन हम लिखते नहीं। मेरी बात समझ आ रही है? एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवा दिया क्लोरीन के साथ सीएल टू के साथ, सुन रहे हो? ए एल सी एल बनेगा कैपिटल। अच्छा ऐसे एलिमेंट्स जिनके सिंबल बच्चे ऐसे एलिमेंट्स जिनके सिंबल दो लेटर से मिलके बने हुए हों उनका पहला लेटर कैपिटल होगा दूसरा लेटर स्मॉल होगा, पहला लेटर कैपिटल होगा दूसरा स्मॉल होगा। इसकी वैलेंसी ये तीसरे ग्रुप में थ्री है, इसकी सातवें में वन है, चेक कर लो। सातवें ग्रुप में वैलेंसी कितनी है? वन है। तीसरे ग्रुप में वैलेंसी कितनी है? तीन है। बच्चे बात करता है बच्चों में से बहुत सारे बच्चों को शायद नेट पे गुस्सा आता है, बुक नहीं खोलने देते। वजह यह है कि जब आप बुक खोलेंगे तो आपका जहन वहाँ रहेगा, मेरी बात कम्प्लीटली आपको एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसलिए मेरी बात को गौर से सुने, बुक पे ये सारा कुछ लिखा हुआ। हाँ क्या कह रहे हैं? ये किसने बनाया था? ये नहीं समझ आ रहा जो यहाँ बना हुआ, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा। ये देखें मैंने जो आपके सामने लिखा, कार्बन कौन से ग्रुप में? फोर एम, वैलेंसी चार ले लेंगे ग्रुप नंबर के बराबर, चार तक लेंगे बच्चे, मैंने वही लिखा। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में? तो मुझे कहेंगे तो मैं बताऊंगा, छठे ग्रुप में, वैलेंसी छः नहीं लेंगे, आठ में से छः को माइनस करो दो लेंगे, यही लिखा ना मैंने। एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में? तीसरे ग्रुप में, देखें बी अलर्ट, मैं जाइंग कहा करता था गैलियम के लिए इन ट्रेन इथेलियम, सुन रहे हो? इसकी वैलेंसी तीन है। क्लोरीन कौन से ग्रुप में? सातवें में, वैलेंसी कितनी? आठ में से सात के अंदर कितना आ गया? एक, वैलेंसी एक। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है, जीसीडी वन है, ये थ्री आ जाएगा, वन हम डालेंगे नहीं। एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दो ओ टू के साथ, ए एल ओ बनेगा, सुन रहे हो? एल्यूमिनियम की तीन वैलेंसी है, बताया ना अभी, बताया मैंने तीसरे ग्रुप में, ये छठे में तो दो है, अब दोनों सिंपलेस्ट रेशियो है, टू यहाँ आ जाएगा थ्री यहाँ आ जाएगा, ए एल टू ओ थ्री। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, वाटर, इसे हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, पढ़ते हैं डाई हाइड्रोजन मोनो ऑक्साइड, मोनो एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड, ऐसे पढ़ सकते हैं डाई एल्यूमिनियम ट्राई ऑक्साइड, वैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेंगे इसको, नो इशू,
क्लियर हुआ? पहले नंबर पढ़ेंगे फिर सिंपल। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब जनाब अली मैं अगर आपको कहूंगा मैं कार्बन का रिएक्शन करवा रहा हूँ हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन कौन से ग्रुप में? चौथे में। इधर भूल जाओ यहाँ टू, यहाँ टू डालोगे लेकिन आगे नहीं, इसकी चार है इसकी एक है। अब देखो सिंपलेस्ट रेशियो है, चार यहाँ आएगा इसलिए तो सी एच फोर मीथेन का फॉर्मूला। अभी भी नहीं समझे? समझे हो जनाब अली? अब आपने एक काम करना है, ग्रुप नंबर वन है सबको नजर आ रहा होगा, टू है सबको नजर आ रहा होगा, वन है के सारे एलिमेंट्स के जितने भी ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इन तमाम से रिएक्शन करवाना। अच्छा चलो मैं अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाता हूँ हीलियम के साथ, ठीक है बताइए मुझे हाइड्रोजन की वैलेंसी तो वन है, हीलियम की कितनी है? ये मिलेंगे ही नहीं, ये रिएक्शन उसके जीरो मिलता ही नहीं है ना किसी से, नोबल गैसेस किसी से नहीं मिलता, ये रिएक्शन नहीं हो सकता, नो रिएक्शन नो कंप्लीट। समझ रहा है? नोबल गैसेस ग्रुप नंबर एट है, चेक करें एट में से एट का आंसर जीरो, नो वैलेंसी, नहीं किसी से मिलेंगे, मसला किसी से। जब आप सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में चले जाएंगे तो उस टाइम कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे आपको जीनोम के, लेकिन ये स्टेबलाइज्ड नहीं है, स्टेबल कंपाउंड नहीं होते, ये अकेला रहना पसंद करते हैं, प्रॉब्लम किसी को बोलते नहीं है। तो करना क्या आपने जनाब, पहले ग्रुप के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन से भी करवाना, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से H2 बन जाएगा ना, हाइड्रोजन का लिथियम से, सोडियम से, पोटाशियम से, रुबिडियम से, सीजियम से, फ्रैंकियम से, ये रिएक्शन करना है ऐसे। हाइड्रोजन लिखा लिथियम, हाइड्रोजन लिखा सोडियम, हाइड्रोजन लिखा, समझ आएगा पूरे ग्रुप के साथ रिएक्शन लिखना। जब ये हो जाए तो फिर 2A के साथ शुरू हो जाना, हाइड्रोजन के साथ बेरिलियम, मैग्नीशियम, सुन रहे हो? अब बनेगा क्या? हाइड्रोजन और बेरिलियम आ गया ना, बेरिलियम की वैलेंसी कितनी? 2 इसकी 1, H2Be बनेगा, MgH बनेगा, H कितना 1, ये 2, MgH2 बनेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मुझे सिर्फ आपने ये रिएक्शंस लिख के चेक करवाने हैं, किस किस के एलिमेंट, पहला मैंने फर्स्ट ग्रुप से हाइड्रोजन चूज किया, यही रिएक्शंस फिर लिथियम के लिए लिखना, जहां हाइड्रोजन लिख रहे हो वहां लिथियम, और सबके साथ रिएक्शन करवाना, सुन रहे हो? हाइड्रोजन का फिर लिथियम का रिएक्शन इन सब से, 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 अगर आपने लिख लिया तो बेटा जी आप लोगों को केमिस्ट्री में फॉर्मूले लिखने आ, लास्ट मिलेगा ही नहीं ना यार, आठवां ग्रुप कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो आप सेवन तक ही करोगे। क्लियर हो गया? अच्छा जनाब अली ले जी, अगर आपको ग्रुप समझ आ गया, और मजे की बात आपको ये भी समझ आ गया कि आपको ये पता करना हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, चलो गेम खेलते हैं, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी, तो ये बताएगा? तीन। अबे भाई ग्रुप नंबर के पांच होंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर के बराबर होंगे, वैलेंसी 3 होगी, तीन इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, वैलेंसी ये बताएगी कितने चाहिए या कितने देंगे, लेकिन है कितने? पांच है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। शहरोज मियां, सल्फर के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। मैग्नीशियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जी 2। ग्रुप नंबर जितना उतने इलेक्ट्रॉन, इन सब के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? रुबिडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, गैलियम के आखिरी शेल में 3, एंडियम के 3, लास्ट शेल में ग्रुप नंबर के बराबर जेंटलमैन होंगे, जेंटलमैन इज द इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ? चले आयोडीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अल्लाह का वास्ता, ग्रुप नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, पता नहीं क्यों नहीं अकल में बात आ रही। चलो जी एंटीमोनी के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हसन बता दे। 5 होंगे ग्रुप नंबर, जो एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में होंगे। ग्रुप नंबर आपको एलिमेंट के लास्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बताता। हुसैन पुलम्बम के लेड के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पक्का गुड, क्लियर हो गया सबको? ग्रुप नंबर आपको यह बताएगा किसी एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलें एक और चीज बता दूं,
ये जो पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको लाइंस नजर आ रही है, नहीं आ रही है सबको? इनको हम कहते हैं पीरियड्स। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ दो, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा चलो ये तो बताओ पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो। एन वन हो जाए तो सिर्फ दो ही आते हैं, इसलिए दो एलिमेंट है पहले पीरियड में। पहले पीरियड में दो, दूसरे में कितने होते हैं? गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हार्ट हो गए हैं? मजे के काम हो गए। दूसरे में आठ ही होते हैं, आधे इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे चलें? जी। याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा जो बात बताने जा रहा हूँ बेटा जी। ये जो लेफ्ट से राइट लाइंस है ना, इन्हें कहते हैं पीरियड्स। पीरियड आपको ये बताएगा कि इस एटम के अंदर टोटल कितने शेल्स हैं। पीरियड का पहला लेटर क्या है? पी। पी का मतलब होता है पास, और पास को हम क्या कहते हैं? शेल्स। अब भी नहीं समझे? हाइड्रोजन में कितने शेल्स हैं? एक, पहले पीरियड में आ रहा। हीलियम में भी एक पहले पीरियड में। जैसे दूसरा पीरियड शुरू हुआ, लिथियम में दो शेल्स हैं, बेरिलियम में दो शेल्स हैं, बोरोन में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, किसमें? फ्लोरीन में, नियॉन में। कितने 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 शेल्स? दो। टोटल दो पार्ट्स हैं। इसमें कितने होंगे? तीन। सोडियम में तीन शेल्स हैं। इसमें कितने होंगे? इसमें चलो ये बताओ, जर्मेनियम में बता दे टोटल कितने शेल्स होंगे? चेक करो जर्मेनियम का ग्रुप नंबर क्या है? फोर। कितने शेल्स होंगे? फोर होंगे। चलो जी सिलिकॉन में टोटल कितने शेल्स होंगे? ग्रुप नंबर क्या है? सॉरी पीरियड नंबर तीन। टोटल तीन शेल्स हैं। अब मजे की बात, बंदा आपको अगर सिलिकॉन का ग्रुप नंबर भी बता दे और पीरियड नंबर भी बता दे और पूछे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैसे बताओगे? गौर से सुनना, गौर से सुनना। सिलिकॉन का ग्रुप नंबर है फोर, मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? चार। पीरियड नंबर है थ्री, पीरियड नंबर है थ्री। इसका मतलब तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? चार। नीचे दूसरा शेल, उसमें तो आठ होते हैं, वो तो कंप्लीट होगा। और पहले शेल में दो होते हैं, वो भी कंप्लीट होगा। पहले के दो, दूसरे के आठ, दस हुए। और तीसरा जो लास्ट शेल है उसके चार कितने हुए? चौदह। टोटल चौदह इलेक्ट्रॉन थे। अभी भी नहीं समझे? ऐसे गिन सकते हो? अगर किसी एलिमेंट का आपको ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, उसका रो नंबर और कॉलम नंबर पता चल जाए, एड्रेस पता चल जाए, नहीं समझा? उसका एड्रेस, ड्रेस या एड्रेस? ड्रेस कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। आपका ड्रेस का ये पूछते हो या एड्रेस पूछते हो? तो ये एड्रेस पता चल जाए, उसका पता आपको पता चल जाए कि उसका रो नंबर क्या, कॉलम नंबर क्या, उसका ग्रुप नंबर क्या, उसका पीरियड नंबर क्या। पीरियड नंबर बताएगा टोटल शेल्स कितने हैं। लास्ट शेल में ग्रुप नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स पीछे वाले में काउंट कर लो। बात समझ आ गई? नहीं आ गई? पहले शेल में, पहले 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 पीरियड में दो एलिमेंट, दूसरे में आठ, तीसरे में भी आठ ही, चौथे में कितने होंगे बोलो? अठारह होंगे। अठारह, पांच में भी अठारह होंगे। जनाब जनाब, पहले में तो आठ ही है, पहले में तो दो ही है ना, दूसरे में आठ है, तीसरे में आठ है, चौथे में ये ट्रांजिशन। अच्छा बताओ डी ग्रुप, डी डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दस। ये बी ग्रुप जो है, ये बी बी ब्लॉक जो है, इसमें दस ग्रुप है। गिने, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। दस ये और आठ, दो यहां से और छह यहां से। इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में। इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में। सुन रहे हो? इनके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इनके एफ सबशेल में, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। समझ आया? नहीं आया? तो अभी जो बातें बता रहा हूं, नेक्स्ट दोबारा आके पूछूंगा आपसे कि ग्रुप नंबर क्या बताएगा, पीरियड नंबर क्या बताएगा, और फिर उसको हम आपकी बुक भी पढ़ लेंगे। बात समझ आया? नहीं आया? और ये भी पूछूंगा पहले 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 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले से पीरियड में दो है, क्योंकि पहला शेल कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर दूसरा शुरू होता है। तो जैसे ही शेल कंप्लीट होगा ना, तो नया पीरियड शुरू होगा। हीलियम पे शेल कंप्लीट हुआ तो नया पीरियड शुरू हुआ। अब समझ आ रहा? आपको ये पीरियोडिक टेबल आपके एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताता है कि आज टोटल शेल्स कितने हैं और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और जैसे ही एक एक शेल कंप्लीट होगा तो नया पीरियड शुरू होगा। मेटल्स देखें, जैसे शेल शुरू होता है तो शेल का जो पहला एलिमेंट है वो मेटल होता है, दूसरा भी मेटल होता है, फिर मेटल है,
फिर मेटालॉइड, फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, जैसे शेल कंप्लीट होगा फिर नया शेल शुरू होगा, नया शेल जैसे ही शुरू होगा मेटल बनेगा। तो आपके पीरियोडिक टेबल का जो पीरियड है ना, उसके स्टार्टिंग में मेटल्स होते हैं, दरमियान में कोई इक्का दुक्का मेटालॉइड आ जाएगा और लास्ट में नॉन मेटल्स होंगे। क्यों सोचिएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।